सपना। हाँ जी जी, का कह रही हो? इमी सोती जी सलवार कहाँ फड़वा लाई? तुम्हारी से बहना करिश्मा कछु मत पूछो, मैं गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा देवे चली गई। ऐसी भीड़ आई सके छोरा के सैंडल लड़को से घोटूनते ऊपर नूर सलवार पूरा फटको मेरा। परिक्रमा तो हमने भी दई तो हम नहीं जा, मैं नहीं जा पाई तुम्हारे संग, तो बढ़िया रहती जब भीड़ कम ही। सुने के दी तो स्टोरी बताऊं तो कैसी है परिक्रमा में? कैसी है गई जी जी? आए पीरो सलवार परिक्रमा में फट गो रे पीरो सलवार परिक्रमा में फट गो फट गो। टटिया लग रही के सात कोस की दई पर कम्मा भीर भई अति भारी धक्कम धक्का दे रहे छोरा टूटी सैंडल कारी। अच्छा लाला ने उन्हें बचाई में सच्ची? अब मोटे से पड़ा से ने दुकानदार है कमर बल खाए गई चार ठाड़ी का जो बनल बस घोटून तक फटो ज्यादा ना फटो नीचे ज्यादा ना फटो। सुने हाँ ये पैदल पैदल चल के मैं तो चूतर टेका पे आई। अच्छा जी जी, चूतर टेका पे पहुंच गई पैदल पैदल फिर? ये पैदल पैदल चल के ओ जी जी चूतर टेका पे आई। फिर का है गो? नंद गाम के छोरा ने भी बगरी नरम कलाई। अच्छा जी जी, हाथ पकड़ लो सच्ची। नंद गाम के छोरा ने भी बकरी नरम कलाई। फिर का है गो? वो देखे मोहड़ो पार ने न मिलाई के हंस गो रे पीरो सलवार पर गम्मा में फट गो। सुनो देखे सुख में रामधन के गाने कर देंगे दीवाने। पुष्पा गोसाई और रमेश तमोरी और रामनंद तीनों खड़े बिनु नहीं मोते के मतलब बचाई बिन में कछु ना कही। आओ और वैसे भारी चाम है मोर आदत ना। अच्छा सुने एक काऊ तो मोते नैन लड़ावे कोऊ करता टाटा। अच्छा टाटा भी बरसाने के छोराए। अच्छा एक कोऊ तो मोते नैन लड़ावे कोऊ करता टाटा। ऐसी आवे मेरे मन में दऊ गाल में चाटा। गुस्सा तो बहुत आई पर मैं के लिए ही। अच्छा जी जी, ऐसी आवे मेरे मन में दऊ गाल में चाटा। और सुने के दी डोले करवे पे